आज हियरिंग थी, तो हम लोग हियरिंग हुई, हमारे जज साहब ने बहुत सख्ती से उनसे डाटा फटकारा और बहुत सख्त आदेश दिए हैं कि आगे से डीआईजी साहब खुद अंदर आएंगे कोर्ट में, तभी हियरिंग होगी, उनके साइन के बगैर कुछ नहीं होगा। मतलब और नजीबपुर घूमने के लिए भी एक साल गई है, उसमें मतलब बहुत सख्ती से आदेश दिए, बहुत कुछ कहा जो अभी मैं नहीं आपको बता पा रही हूँ, लेकिन मैं वहाँ खड़ी मीडिया को बैठ दे रही थी, इन लोगों ने मुझे वहाँ से घसीट दिया, मेरे साथ गीता भी थी, मैं मना करती हूँ मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं अंदर जा रही हूँ गार्डन में, लेकिन उन्होंने नहीं माने, और वहाँ इनके जो ऑफिसर थे नरेश सोलंकी साहब, उन्होंने कह रही उठाई पकड़िए, इनकी लेडीज कांस्टेबल मुझे इस तरह घसीटा है, आप देखिए आपको मिल जाएंगे फोटो, किस तरह घसीटा है, उसके सारे कपड़े फट गए, मुझे भी घसीटा, मेरी पीठ छिल गई पूरी, और मुझे गाड़ी में इस तरह ठूसा है इन्होंने जैसे किसी जानवर को भी नहीं ठूसेंगे उसको, कुछ बोला नहीं आपको, क्यों उठा के लेके जा रहे हैं, क्यों नहीं, मैं बोलती नहीं, मुझे कहीं नहीं जा रहा, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं अलग खड़ी हूँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं मीडिया को बैठ दे रही हूँ, मैं बोलती नहीं, लेकिन नहीं चलना चलना पड़ेगा, वहाँ से लेडी बैठी अंदर कांस्टेबल बहुत ही बदतमीज, रास्ते भर मुझे धुतकारती फटकारती आएंगे, मैंने उनसे ये भी कहा कि आप एक माँ हो, एक माँ नहीं हो तो माँ की बेटी हो, दर्द को समझो, मेरा बच्चा एक साल से नहीं मिल रहा है, मैं कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैंने सीबीआई हेडक्वार्टर पे गया था और मैंने उन्हें खामोशी से किया था, वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं किया था जो हमने कुछ गलत किया हो, और हमें आज उसका रिजल्ट भी मिला, हमारे जज साहब ने बहुत अच्छे से फटकारा सीबीआई को, ताकि सीबीआई आगे कुछ शर्म बाकी कुछ करके दिखाए, आखिर एक साल हो गई नजीब को गायब हुए, आखिर क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं, नजीब वालों ने आपको हाईकोर्ट से उठाया फिर यहाँ लाकर बस छोड़ दिया, नहीं अंदर ले जाकर जबरदस्ती, मैं कह रही थी मुझे यहीं गाड़ी में बैठ रहा था, जबरदस्ती वहाँ से निकाला कि आप मजबूर करेंगे, नहीं लेकिन मैं यहाँ बैठी हूँ, आप मुझे यहाँ बैठे रहने दीजिए, अगर आपको कहाँ जाना है बताइए मुझे, मैं बताएंगे जाना है, मेरे घर जाना है मुझे, चलिए आपको बताएंगे पहुँच जाते, मेरे बच्चे मेरे साथ में, मैं ऐसे अपने बेटे को छोड़ कैसे जा सकती हूँ कहीं पे, तो अभी वहाँ भी उसको बुलवा लेंगे, जब तक फिर पता चल गया लोगों को मेरी मतलब मेरे पास आ गई, तो कहें हमने डिटेन नहीं किया, और कैसे करेंगे, जिस तरह घसीट के मुझे लाया गया उस तरह और कैसे डिटेन करेंगे, पिटिशनर को डिटेन किया एक ऑफिसर ने जिसे मेरा नाम नहीं मालूम है, पूरे हिंदुस्तान के बाहर लोगों को मेरा नाम मालूम है, नजीब की माँ है, पूरे हिंदुस्तान के बाहर के लोग जानते हैं, इंडिया के लोग नहीं जानते, क्योंकि इनके ऊपर कोई असर नहीं है, इनके अंदर कोई संवेदना नहीं, बिल्कुल संवेदनाहीन लोग हैं, मैं इनको क्या बताऊं, बस इन्होंने जो आज मेरे साथ किया मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगी, ये अपनी नाकामी और निकम्मापन छुपाने के लिए हम पे अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, ना कि नजीब को ढूंढ के लाएं, कुछ शर्म बाकी हो तो उसको लाएं और उसको हमारे हवाले करें, अपना मुंह उजाला करें, देश का मुंह उजाला करें, मुंह काला कर दिया, क्या भरोसा क्या है हमारे, विदेशों में क्या मैसेज जा रहा है कि एक माँ अपने बेटे को ढूंढ रही है और उसके साथ ये जुल्म हो रहा है, ये हालत है हिंदुस्तान की, जिसके लोग बड़े बड़े वाद विकास की बातें करते हैं, ये औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, 50 साल की औरत को इस तरह घसीटा जा रहा है डूब मरने की जगह है यहाँ के नेताओं को, और जो मोदी जी हमेशा ट्वीट करते हैं नारी विकास की, नारी शक्ति की बात करते हैं, ये है नारी शक्ति, मोदी जी ने आज तक मेरे बेटे के ऊपर एक भी अल्फाज बोला हो, एक भी ट्वीट किया हो, क्यों मेरा बेटा देश का नागरिक नहीं, क्या मैं देश की नागरिक नहीं, क्यों नहीं सुनते वो, क्यों कोई आदेश नहीं देते अपने नए पुलिस कर्मियों को कि सख्ती से निपटा जाए, नजीब को ढूंढ के लाया जाए, जिन्होंने नजीब को मारा पीटा, जिन्होंने नजीब के साथ असॉल्ट किया, उसे खून में नाक से मुंह से खून बह रहा था, क्यों उन लोगों को अब तक उठाया नहीं गया, क्यों क्यों रही ज्यादा, इसलिए कि वो एक मुसलमान है, नहीं हम मुसलमान बाद में है, पहले हम एक नागरिक है, नजीब स्टूडेंट है जेएनयू का, तुम्हें करना होगा, नहीं करोगे तो अब करूंगी मैं धरना प्रदर्शन, रोक मिले तो रोक लो, जब से मैं कुछ नहीं कर रही थी मैं खामोश बैठी थी कि शायद कुछ करोगे तुम लोग, कुछ शर्म बाकी होगी, लेकिन तुम्हारी शर्म मर चुकी है, बह गई है, पानी वाले पानी पिलाइए, और आप जो ये लेके जा रहे हो ये सब दिखा रहे हैं मीडिया में, माता जी मैं राजा कम्युनिस्ट पार्टी, देख रहे हैं आप क्या हो रहा है मेरे साथ, आप वहाँ जाइए बाराखंबा रोड पे, वहाँ बच्चों को निकालिए वहाँ से, मेरा ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हिंदुस्तान की पुलिस पूरी उसकी फोर्स क्यों ना मिल जाए, एक माह इनपे भारी है, एक माह इनपे भारी है, कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं कर सकते, ये नाकाम है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट अपनी नाकामी छुपाने के लिए, उस पर जुल्म कर रही है, मुझे आवाज बंद करना चाहते हैं, मुझे डराना चाहते हैं, अरे अगर तुम किसी लायक हो तो मेरा बेटा ढूंढ कर ला दो, अपनी नाकामी को कामयाबी उठा दो, बस मेरा यही कहना है, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँगी, सब देख ही दिया होगा आप लोगों ने,